हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु और आज हम सीखेंगे कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट्स। अब तक आप सीख चुके हैं अल्फाबेट्स कैपिटल और स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट्स, मगर कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट्स ज़रूरी हैं क्योंकि हर सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो होता है कैपिटल। तो उसको कैपिटल लिखने के लिए आपको आना ज़रूरी है कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट्स। तो स्टार्ट करें। रेट, तो सबसे पहले आता है ए, और ए फॉर होता है एरोप्लेन। कैपिटल कर्सिव ए बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे राइट स्लांटेड लाइन ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच में, और उसको लाएंगे वापस से नीचे, ब्लू लाइन पे टच कराएंगे, थोड़ा सा ऊपर जा कर के एक रिबन बना देंगे। एक बार फिर से देखें, एक राइट स्लांटेड लाइन बनाएंगे ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच में, उसको वापस से नीचे लाएंगे ब्लू लाइन पे टच करवा के एक रिबन बनाएंगे दोनों के बीच में। फिर आता है बी, और बी फॉर होता है बॉल। सबसे पहले हम खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन, और वो होगी रेड लाइन से ब्लू लाइन के बीच में, उसको वापस से ऊपर ले जाएंगे लूप बनाते हुए और एक उल्टा सी बनाएंगे, फिर उल्टा सी बनाएंगे। एक बार फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, लूप बनाते हुए वापस ऊपर ले जाइए, फिर बनाइए छोटा सा उल्टा सी और फिर उल्टा सी। तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव बी। इसके बाद आता है सी, और सी फॉर होता है केक। और इसको कैसे लिखेंगे, एक स्लांटेड लाइन ले जाएंगे रेड लाइन से टच करवाएंगे, वापस घूम के नीचे वाली ब्लू लाइन तक कर्व बनाएंगे। एक बार फिर देखें, एक स्लांटेड लाइन बनाएंगे ब्लू लाइन से रेड लाइन को टच कराएंगे, और फिर घुमाते हुए वापस से नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करवा करके सी बनाएंगे। इसके बाद आता है डी, और डी फॉर होता है ड्रम। ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाइए स्टैंडिंग लाइन, और फिर उसमें छोटी सी नोट बांधते हुए बड़ा सा उल्टा सी बनाइए और ऊपर की लाइन तक टच करवाइए। एक बार फिर देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, छोटी सी नोट बनाते हुए बड़ा सा उल्टा सी बना करके ऊपर टच करवाइए। फिर आता है ई, और ई फॉर होता है एलिफेंट। इसको कैसे लिखेंगे, पहले बीच वाली ब्लू लाइन यानी फर्स्ट लाइन से रेड लाइन पे टच करवाते हुए एक नोट बना करके वापस से घुमाइए, फिर बीच वाली ब्लू लाइन को नीचे वाली ब्लू लाइन तक घुमा करके एक कर्व बनाइए। एक बार फिर से देखें, फर्स्ट ब्लू लाइन से रेड लाइन को टच करवा के घूम के आइए, फिर नीचे घूम जाइए। तो ये बना कैपिटल कर्सिव ई। इसके बाद आता है एफ, और एफ फॉर होता है फैन। सबसे पहले एक लहराती हुई लाइन बनेगी रेड लाइन पे, फिर स्टैंडिंग लाइन को लाइए नीचे की ब्लू लाइन तक, थोड़ा सा कर्व कर दीजिए और बीच वाली ब्लू लाइन से इसको कट कर दीजिए। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं, रेड लाइन पे एक लहराती हुई लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और उसको नीचे से थोड़ा घुमा देंगे, और फिर फर्स्ट वाली ब्लू लाइन को उस पे से कट कर देंगे। फिर आता है जी, और जी फॉर होता है गिफ्ट। ये कैसे बनेगा, सेकंड नंबर की ब्लू लाइन से रेड लाइन को टच कराएंगे ऊपर से घुमाते हुए, नोट बनाते हुए बनाएंगे कप, और वहाँ से एक नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन लाएंगे, उसको घुमा देंगे तो बन जाएगा जी। एक बार फिर देखते हैं, सेकेंड नंबर की ब्लू लाइन से रेड लाइन पे टच कराएंगे घुमाते हुए एक कप बनाएंगे, वहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन और उसको वापस से नीचे से घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे तो बन गया जी। अब आता है एच, और एच फॉर होता है हट,
और ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्लांटेड लाइन बनाइए, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, उसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे और उसी के सामने रेड लाइन से ब्लू लाइन के बीच में बनेगी स्टैंडिंग लाइन और दोनों को बांध देंगे हम रिबन से। एक बार फिर देखते हैं, छोटी सी स्लांटेड लाइन, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, उसको नीचे से घुमा देंगे, उसके सामने एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और दोनों को बांध देंगे हम रिबन से। फिर आता है आई, आई फॉर होता है आयरन। एक कैप बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और उसके नीचे कर्व बना देंगे। एक बार फिर देखते हैं, एक कैप बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसको नीचे से मोड़ देंगे, तो ये बना कैपिटल आई। फिर आता है जे, और जे फॉर होता है जोकर। और ये कैसे बनेगा? वैसे ही जैसे आई में ऊपर कैप बनाई, स्टैंडिंग लाइन को नीचे रेड लाइन तक टच करवाई और घुमा के ऊपर ले जाइए। एक बार फिर देखते हैं, कैप बनाई, स्टैंडिंग लाइन को नीचे रेड लाइन तक टच करवा के घुमा के फिर ऊपर ले जाइए। अब आता है के, और के फॉर होता है कैंगरू। और ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्लांटेड लाइन, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, उसको नीचे से घुमाएंगे और बीच के पॉइंट से ऊपर की तरफ स्लांटेड लाइन और नीचे की तरफ स्लांटेड लाइन। एक बार फिर बनाते हैं, छोटी सी स्लांटेड लाइन, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन और उसको नीचे से घुमा देंगे और बीच के पॉइंट से ऊपर की तरफ स्लांटेड लाइन और नीचे की तरफ स्लांटेड लाइन, तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव के। फिर आता है एल, और एल फॉर होता है लैंप। इसको ब्लू लाइन से रेड लाइन तक नोट बनाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर से बनाएंगे नोट और लगाएंगे छोटी सी पूंछ। एक बार फिर देखते हैं, एक स्लांटेड लाइन से बनाते हुए नोट को नीचे लाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी नोट बांधेंगे और फिर उसके पूंछ लगा देंगे, तो बन गया एल। अब आता है एम, और एम फॉर होता है मैंगो। ब्लू लाइन से रेड लाइन को टच करा के स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर एक उल्टा कप, फिर उल्टा कप और उसके लगाएंगे पूंछ। एक बार फिर बनाएं, एक स्लांटेड लाइन को घुमा के सीधी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक उल्टा कप और उसके पूंछ, तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव एम। फिर आता है एन, और एन फॉर होता है न्यूज़पेपर। इसे कैसे लिखेंगे? स्लांटेड लाइन को घुमाते हुए नीचे की तरफ बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर रखेंगे एक उल्टा कप और उसके बना देंगे पूंछ, तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव एन। एक बार और देखें, स्लांटेड लाइन को घुमाते हुए नीचे लाएंगे और फिर बनाएंगे उल्टा कप और उसके लगाएंगे पूंछ। फिर आता है ओ, ओ फॉर होता है आउल, और इसको बनाने के लिए नीचे की ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लांटेड लाइन बनाएंगे, फिर वापस घुमाते हुए सर्कल बनाएंगे और फिर ऊपर एक लूप लगा देंगे। एक बार फिर से देखते हैं, स्लांटेड लाइन, सर्कल एंड देन लूप। फिर आता है पी, पी फॉर होता है पेंसिल। इसके लिए सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको लूप बनाते हुए वापस ऊपर ले जाओ और हाफ सर्कल बना दो बीच तक। एक बार फिर से देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन और उसको नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए लूप बनाइए और ऊपर की तरफ बनाइए हाफ सर्कल, तो ये बन गया पी। फिर आता है क्यू, और क्यू फॉर होता है क्वीन, और इसको बनाने के लिए ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच में स्लांटेड लाइन बनाइए, फिर वापस घूमते हुए सर्कल बनाएंगे और फिर ऊपर के लूप की पूंछ नीचे बनाइए। एक बार फिर से देखिए, स्लांटेड लाइन बनाइए, सर्कल बनाइए
और घूमते हुए लूप की पूंछ को नीचे लगा दिए जी। फिर आता है आर, और आर फॉर होता है रॉकेट। ये कैसे बनेगा? स्टैंडिंग लाइन बनाइए, लूप को ऊपर की तरफ ले जाइए, हाफ सर्कल लगाइए और स्लांटेड लाइन बनाइए। एक बार फिर से बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, फिर लूप बनाते हुए ऊपर की तरफ हाफ सर्कल और नीचे स्लांटेड लाइन। तो ये बना कैपिटल कर्सिव आर। फिर आता है एस, और एस पर होता है सोप। इसको कैसे लिखेंगे? स्लांटेड लाइन बनाइए, रेड लाइन को टच करवा के एक नोट बांधते हुए नीचे की तरफ टमी बनाइए और उसके पूछ लगाइए। एक बार फिर से देखते हैं, स्लांटेड लाइन, ऊपर छोटी सी नोट बांधते हुए मोटा सा टमी और उसकी पूछ। तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव एस। फिर आता है टी, और टी फॉर होता है टैप। और ये कैसे लिखेंगे? रेड लाइन पे लहराती हुई लाइन, स्टैंडिंग लाइन और नीचे से घुमा दीजिए। एक बार फिर देखेंगे, रेड लाइन पे लहराती हुई लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और नीचे से घुमा देंगे। फिर आता है यू, और यू फॉर होता है अम्ब्रेला। और ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्लांटेड लाइन और कप बनाएंगे, उसकी पूंछ लगाएंगे। एक बार और देखिए, स्लांटेड लाइन, फिर कप बनाइए और उसकी पूंछ लगाइए। फिर आता है वी, और वी फॉर होता है वास। ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्लांटेड लाइन, बड़ी सी स्लांटेड लाइन, फिर ऊपर की तरफ स्लांटेड लाइन और छोटी सी पूंछ। एक बार फिर देखिए, छोटी सी स्लांटेड लाइन, बड़ी सी स्लांटेड लाइन, फिर ऊपर स्लांटेड लाइन और फिर छोटी सी पूंछ। फिर आता है W, और W फॉर क्या होता है? वॉच। ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्लांटेड लाइन, एक कप, फिर दूसरा कप और उसके पूंछ। एक बार फिर से देखिए, स्लांटेड लाइन, एक कप, दो कप और उसकी पूंछ। फिर आता है एक्स, और एक्स पर होता है क्रिसमस। तो एक बार बनाइए उल्टा सी, फिर बनाइए सीधा सी। एक बार फिर से बनाएं, रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में पहले बनाइए उल्टा सी, फिर वापस जाके बनाइए सीधा सी। फिर आता है वाई, और वाई फॉर होता है येलो। ये कैसे बनेगा? स्लांटेड लाइन, कप बनाइए, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन लाइए और फिर नोट बना के ऊपर ले जाइए। एक बार फिर से देखते हैं, स्लांटेड लाइन, बड़ा सा कप, स्टैंडिंग लाइन और फिर नोट बना दीजिए। फिर आता है जी, और जी फॉर होता है ज़ेब्रा। इसको बनाने के लिए बड़ा सा उल्टा सी, फिर छोटा सी और उसके बना दीजिए नोट। बड़ा सा उल्टा सी, फिर छोटा सा उल्टा सी और उसके बना दीजिए नोट। तो ये बन गया कैपिटल कर्सिव जी। तो अब आप सीख चुके हैं कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट्स। तो अब आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। 4 लाइन वाली कॉपी उठाइए, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही सुंदर आपकी राइटिंग हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी हो तो हमें ईमेल कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।